हरे 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 हरे।
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram
गुंगा हरे गुंगा 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 हरे 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 गुंगा हरे गुंगा 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 गुंगा हरे गुंगा 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 हरे 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 गुंगा हरे गुंगा गुंगा हरे राम हरे राम 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 हरे हरे बाबा हरे Amen.
परमेश्वर कीर्तिनां गरिणां शक्तिनां च तेजो राशे सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि मान्दो निरीक्षं समन्तात् दीप्कानलाक ज्योतिमात्प्रमेयं त्वमाक्षरं परमं वेदि गव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निवारणं त्वमव्ययः शाश्वतगर्भगोपाल सनातनस्त्वम् पुरुषो मतो मे अनादि मध्यान्तमनन्तवीर्य मनन्तबाहु शशिसूर्यनेत्रम् हर्ष्यामि त्वां दीप्तहुत शवक्त्वम् स्वगे स्वविदम् अलङ्कम् द्यावाग्विधेयो जिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैके न दिशस्य सर्वा दृष्ट्वाद्भुतं रूपमोऽभ्यन्तरेदम् लोकत्रयं प्राज्ञभितं महात्मन् अमीहि त्वां सुरसङ्घ्राये सन्धि केचिन्मे प्राञ्जलयं कृणन्ति स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षि सिद्धसम्भा स्तुवन्ति त्वा स्तुतिभिः कोशलाभि रुद्रादित्या वसवो ये स साध्या विश्वेष्णो मरुत सोष्णाश्च सुरसिद्धसङ्घा वीक्षन्ते स्मितास्यैव सर्वे सानेशतवकीर्त्या जगत्प्रशिष्यत्यनुरज्यते च रक्षांसिहिता प्रीतिहो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्गा कस्माच्च गरीयसे ब्रह्मणो प्रादिपत्रे अनन्तदेवे सजगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्तत्परं त्वमाधिदेव पुरुष पुराण त्वमस्य ईश्वरस्य परं विधानम् भित्ता श्रीविद्यं च परं च धाम त्वया कृतं येष मनन्तरूपा वायुर्यमो मे वरुणशशाङ्क प्रजापतिस्त्वं
कविता महाशय नमो नमस्ते सुसहस्र देको पुनश्च भूयो नमो नमस्ते नमः पुरस्तारकृष्टदस्ते नमोऽस्तु ते सर्वदैव सर्वानन्तवीर्यमेकैकमस्तु सर्वं समाप्तो हिततो हि सर्व सघेति मात्वा सर्वं यदुक्तम् हे कृष्ण हे राघव हे सखेति अजानतामहि मान अवेदं मया प्रमादप्रणयेन भावि यच्चावासार्थमशक्तिदोषि हैया सर्वोजनेषु एकोत्रवाक्यस्युतसमचो तक्षामयित्वा महमप्रमेयम् पिकासि लोकस्य सरासरस्य त्वमस्य पूज्यस्य गुरुर्नस्तमोऽस्त्यधिककुतोऽन्यो लोकप्रेत्यप्रतिमा तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वा महमीश वीर्यं सखेव सख्यो प्रियः प्रियायासि देव सोऽहं अहमेव माता त्वमेव त्वमेव बन्धु सुखा त्वमेव त्वमेव नित्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव राम। श्री गीता जी का पाठ 14वां अध्याय प्रारंभ से श्लोक संख्या 9 तक। वसुदेव सुतं देवं कंसचारुरमार्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीभगवानुवाच परं भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं यज्ञत्वामनय सर्वे परां सिद्धिमितो गता इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागता सर्वे विनोपजायन्ते फलेन व्यथन्ते च मम यो निर्महद्ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहं सम्भवः सर्वभूतानां
ततो भवति भारत सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्धय सम्भवन्ति तासां ब्रह्म महद्योनि रहं बीजप्रभविता स त्वं रजस्तम इति गुणाः प्रभृतिसम्भवा निवद्नन्ति महाबाहो देहि नमव्ययम् तत्र स त्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयम् सुखसङ्गेन बध्नाति ज्ञानसङ्गेन जानव रजोरागात्मकं वेद्धि कृष्णासङ्गसमोद्भवम् तन्नैवत्नाति कौन्तेय कर्मसङ्गेन देहिना तमस्वज्ञानदं वेद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादलस्य निर्दे सन्निवत्नाति भारत सत्यं सुखे संजयति रजकर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तुतम प्रमादे संजयत्युत सत्यं सुखे संजयति रजकर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तुतम प्रमादे संजयत्युत वसुदेवसुतं देवं कंसचारूढमार्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna.
राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा कार्तिक शुक्ल नवमी विक्रम संवत 2054 9 नवंबर 1997 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद मुरली मनोहर धोरा भीनासर बीकानेर में यह प्रवचन हुआ। राम आप लोगों को पूछना तो बोलो क्या सुना। कहते साधन में संतोष नहीं करना चाहिए और संतोष के बिना शांति भी तो नहीं मिलती, इसलिए संतोष कहाँ करें कहाँ नहीं करें ये समझ में नहीं आता। बहुत बढ़िया, संतोष करना नहीं चाहिए, हो जाए तो विदेश घूम जा करें। जैसे यहाँ से गंगा जी गए तो गंगा जी जाते 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 गंगा जी आ गई तो गंगा जी आएगी फिर जाते रहे, गंगा जी प्रवेश जाते ही रहे, जब तक डूब जाए तब तक जाते ही रहे। इस तरह से अपना साधन करते ही रहे, संतोष करे ही नहीं। अब डूब जाए संतोष हो जाए क्या करे, करे नहीं संतोष कभी। संतोष वो नहीं भी करते भी हो तो ये संतोष नहीं हो, स्वाध्याय जबदा नहीं हो। संतोष से त्रिशु कर्तव्य, तीन चीज में संतोष करना, सदारे भोजने धने, अपना स्त्री पुत्र परिवार उसमें और भोजन मिल जाए उसमें और धन मिल जाए उसमें, इसमें करना संतोष। और त्रिशु नहीं मुझे करते, तीन करना ही नहीं, जप में ध्यान में जब सत्संग में साधन में, इसमें संतोष कभी करना ही नहीं चाहिए। और लोभ होना चाहिए, जैसे रुपया 100-150 और बढ़े और बढ़े करते, वो लोग तो नीचे ही तब जाना है और ये लोग उन्नति करने वाला है। जम प्रति लाभ लोभ अधिकारी, जो साधन बने तो और साधन बने और साधन बने और साधन बने, तत्परता साधन करता रहे, संतोष नहीं करे, संतोष लट जाता है आदमी। संतोष ये तात्पर्य क्या निकला, तात्पर्य निकला कि पूर्व कर्मों से जो चीज मिले उसमें तो करना संतोष, और नया उद्योग है उसमें संतोष नहीं करना, ये तात्पर्य निकला इसका। जैसे सदारे भोजने धने, अपने निर्वाह के लिए धन मिलता है, पुत्र परिवार मिलता है, भोजन मिलता है, ये पूर्वकृत कर्मों का फल है, तो उसमें जो संतोष करना नहीं संतोष रोग नहीं मिलेगा कुछ नहीं, क्या करोगे। स्त्री कैसे ही मिली, पुत्र कैसे ही मिला, परिवार कैसे ही मिला, माँ बाप कैसे ही मिले, भाई भुजाई कैसे ही मिले, अब संतोष नहीं करो तो रो दुख क्या करो। शरीर कैसे ही मिला, रोग ही मिला निरोग मिला, तो उसमें तो करो संतोष। और जब करना है ध्यान करना है सत्संग करना है सेवा करना है दूसरों को सुख पहुंचाना है आराम पहुंचाना है, ये नया कर्म है, ये कर्म पूर्व कर्मों का फल नहीं है, नया कर्म है, इसमें संतोष नहीं करना। करने में सावधान और होने में प्रसन्न, ये दो बहुत ही बढ़िया वाक्य है। करने में सावधान हरदम, अगर वो काम करना है बड़ी सावधानी के साथ करें, तत्परता से करें, बड़े उत्साह से करें, धैर्य पूर्वक करें और लगे ही रहते। तीन तरह के आदमी बताए हैं, प्रारब्ध देते हैं खर भग्न नीचे ही, नीचे दर्जे के पुरुष होते हैं वो अच्छा काम आरंभ नहीं करते, ये तो निभा तो नहीं, जिन्हें बोले लोग निभेगे नहीं, पाठ करूंगे निभेगे नहीं, ये तो ऐसा काम करो निभेगा नहीं, ये सबसे नीचे आदमी बताया। प्रारब्ध तेन खुल विघ्न भये न नीचे ही, विघ्न आ जाए बाधा आ जाएगी क्या करें, निभाए। और प्रारब्ध विघ्न भेता फिर मंथी मध्या,
प्राम तो कर दिया पर बिगड़ आया तो सो गया, ये मत कर दे है। और बिगड़े ही पुनः पुनर्पि हत्या माना प्रारंभ उत्तम देना न परिजनते श्रेष्ठ पुरुष वे होते हैं प्रारंभ कर दिया अच्छा काम बिघन आते हैं तो क्यों आते रहे करता करते ही रहे अपने। तो ये साधन की बात है, साधक में संतोष नहीं करना, बिघन आए तो बिघन टल जाएगा। बिघनों के लिए भगवान दोनों बात कहते हैं, मत प्रसादाद वाप्नोति शाश्वतम पदमभ्यम और सर्व दुर्गाणी मत प्रसादा तरीशी, शाश्वत अविनाशी पद भी मेरी कृपा से मिल जाएगा और विघ्न भी मेरी कृपा से चल जाएगा भगवान की कृपा से। इस बार भगवान की कृपा के देखते हुए करता रहे, आप उसे आप शांति मिले, शांति को भोग नहीं करना चाहिए, उसमें राजी नहीं होना चाहिए। धन कमाने वाले लाख रुपए में राजी होते हैं क्या, क्या करोड़ में राजी होते हैं? मिल जाए तो अच्छा लगता है, राजी नहीं होते तो पत्नी की तरफ जाता है। ऐसे साधन की तरफ संतोष में ऊपर भी जाते हैं। साधन में ये बात है कि ये सुख भोग है ना, सुख भोग ये साफ बात है, खास आराम दे दिया साधन करने, लोगों में आदर हो गया, लोग भी ठीक सोने लगे तो उसमें बाधा होती, बिगड़ हो जाता है, खास बाधा है ये सुख भोग। मान बढ़ाई का सुख है, शरीर का आराम का सुख है, अनुकूल परिस्थिति का सुख है, भोगों का सुख है, संग्रह का सुख है, ये सुख जहाँ भोगोगे वही अटक जाओगे, महान आनंद की प्राप्ति होगी और सुख में अपने अटकोगे। स्वास्थ्य सुख नहीं जाना है, जैसे बताया जाने दिन सही होंगे क्षेत्र में खेत होता है तो खेत आराम करने के लिए सही होता है, आराम तो घर पर करो, ये तो खेत है, ये तो कमाने के लिए आए हैं। यही तनु कर फल विषय न भाई, इस शरीर का फल विषय नहीं, सुख नहीं है, सुख संग्रह का फल नहीं है, स्वर्ग उस स्वर्ग के आगे स्वर्ग की व्याधि वो भी स्वर्ग अंत दुखदायी, इस बात से संतोष नहीं करना चाहिए। संसोषो जन भीर तो षड विघातक महत्व से महत्व के विघातक है, ये उसी उन्नति में बाधक है, विद्या में भजन ध्यान में कीर्तन में दान पुण्य में सेवा करने में भगवान की प्रार्थना करने में भगवान की तरफ चलने में संतोष नहीं करना, नया काम है नया, संतोष करना चाहिए पुराने कर्मों के अनुसार फल मिला है, क्यों कुछ मिलेगा तो नहीं, कुछ क्या फायदा, तो करने में सावधान और होने में प्रसन्न। जो पुराने कर्मों के अनुसार फल मिला है वो होना है, होने में प्रसन्न रहे, सुख आवे दुख आवे बीमारी आवे कुछ भी आवे उसमें तो रहे प्रसन्न, और करने में सावधान, कोई गलती नहीं हो जाए, किसी को दुख न पहुंच जाए, किसी को कष्ट न पहुंच जाए, किसी का बुरा न हो जाए, सावधान हरदम सावधान सावधान रहे, सावधानी ही साधना है, साधन क्या सावधान आज ही पर सावधान रहना, ऐसे नहीं वित्तीय जप किया नहीं गया, हरदम सावधान सावचेत। इस वास्ते वर्णन आता है कि सती और सूरवीर होते हैं, वो सती एक बारी मलती है और सूरवीर एक लड़ते रहते एक बारी मरता है, साधन करने वाला तो जलता ही रहता है मरता ही रहता है करता ही रहता है। शेल अरापरी की बात नहीं, खराखरी को खेल, अरापरी बात नहीं, खराखरी को खेल, जूझता ही है करता ही है और करता ही है, संतोष करे कभी करे ही नहीं, जबरदस्ती संतोष हो जाती क्या करे, पूर्ण होने पर फिर करना बाकी नहीं रहता, जानना बाकी नहीं रहता, पाना बाकी नहीं रहता, तीन बात है, करना बाकी नहीं रहता, जानना बाकी नहीं रहता, पाना बाकी नहीं रहता, कृत कृत हो जाता है, प्राप्त प्राप्त भी होता है और प्राप्त प्राप्त भी है, ज्ञात ज्ञात भी है, कृत कृत, ये तीन शक्ति है अपनी, करने की शक्ति, जानने की शक्ति और इसका फल पाने की, चुन हो जाएगा। ये बुद्धिमान से कृत कृत्य भारत
आ गया और कृतकृति भी हो गया, करना ही बाकी नहीं रहा। करना फिर होना फिर है, तीन स्टेज होती है। पहले करे सावधानी से, फिर होने लगता है साधन, आप साफ जब होने लगता है, रात के दिन आप साफ होने लगता है, होने के बाद में है हो जाएगा, है में जाते हुए फिर आप साफ, सब जितना करना सुनना करना वो सब समाप्त हो जाता है स्वाभाविक। जानकर संतोष कभी नहीं करे, जानकर संतोष करे दुख में। इस वास्ते अपने लोगों में ईद है ना, किसी का बेटा मर जा रो है तो उसे जान बोला रहो, जान बोला रहो, जान बोला रहो, जानकर संतोष करो, जान बोला रहो, जानकर बोला दुख में करना चाहिए। दुख में संतोष करना, सुख में संतोष करना, दुख में संतोष करना, शादी करने में कभी संतोष नहीं करना और कभी दुख मानना नहीं चाहिए। देखो दुख होता है ना, दुख जैसे आपने कोई काम किया, लोगों ने बुराई की, ये ठीक नहीं किया, ठीक नहीं किया, तो ये बुराई है ना, ये बड़ी मार्मिक बात है। बुराई है ये काम करता है, इसकी पहचान है, ये गलती करी, इसका अर्थ होता है करता है, ये कुछ नहीं करे तो कौन गलती करे, हम करते ही नहीं गलती क्या होगी। तो लोग जो टीका टिप्पणी करते हैं, ये ठीक नहीं किया, ठीक नहीं किया, इसका अर्थ होता है करता है, कुछ कुछ करता है, तभी तो गलती होगी, बिना क्या गलती हो क्या होगी। चले सो तो पड़े, पर क्या पड़े पिछारी, पीसने क्या पड़े पिछारी, चले सो तो पड़े क्या पड़े पिछारी, छीजे सो बिखे धनवत छीजे क्या बिछे बिछारी। घाटा आता है कमी तो धनवान की आती है, बिछारी वही क्या घाटा है, काका ने भागा उठता नहीं दिखे घट क्या हो, आप लोग घाटे पड़े हमारे घाटे क्या हुए बताओ, नफे ही नहीं इकट्ठा कर रहा है, नफा वजन घट हो गए, कुछ है नहीं। जयराम जी बाबा जी साहब क्या घटा, तो करता है तो निंदा होती है, तकलीफ होती है, लोग टिपका टिप्पणी करते हैं, समझना चाहिए कुछ करने वाला है, समाज में भी काम करने वालों को भला बुरा सब कहेंगे, भलाई कह रहे बुराई कहेंगे, सब कहेंगे, ये भला बुरा तो कहेंगे ही लोग, उसके ऊपर चिंता नहीं करना, अपना काम ठीक हो फिर भी निगाह रखते हैं हम कहाँ गलती करते हैं, हम कहाँ गलती करते हैं, गलती इतनी सुधारता जाओ। हम चाहते हैं यहाँ से जावे काम पर तो मील में दोनों लिखा हुआ होता है, इतने हम आ गए, इतना अगर जाना है तो लिखने वाला आ गए उस तरफ लिखते हैं, और जाने गए सिर्फ सामने लिखते हैं। मील का पत्थर होता है ना, तो जाने के वाले के सामने पत्थर बाकी रहने लिखते हैं, और जो आ गया वो पत्थर पीछे होता है वो नहीं लिखते। अर्थ क्या हुआ कि आ गया उसको क्या देखे, आगे देखना कितना बाकी है, उधर देखना है आगे वो क्या देखे, तो साधन हो गया वो क्या देखे, आगे नहीं है नहीं होगा, पत्थर होता है नहीं मिल का, तो अगाड़ी के जाएगा पिछाड़ी होता है क्या, उधर आओ तो उस अगाड़ी होता है, ये अगाड़ी होता है, तो अगाड़ी चलने के लिए है अगाड़ी, कितना हो गया साधन हो गया कभी नहीं गड़े देख ही नहीं, अब तो बस इतना बाकी है, वही तो बाकी है, कितना बाकी है, बस चलता ही है। जब तक एक इस बार एक मारवाड़ी कहावत है, पांडव भरण कोसरो बेटी भरी एक, लेनो भरण बापरो साहेब ठीक, पिता को भाई ऋण है तो पिता भी दिया है तो ऋण थोड़ा भी बाकी ठीक नहीं है, चलना है तो एक मील भरी रहा है तो भी वो तो काटो जरूर काटो, ऐसे साधन करते हुए जितनी बाकी रही है उसको छोड़ो सब, पूर्णता कृत कृत्य प्राप्त प्राप्त ज्ञात ज्ञात हो जाओ, न जानना बाकी रहे न करना बाकी रहे न पाना बाकी रहे। यंग लब्धवाचा परम लाभ मन्य थे नादि यस्मित दुख है न गुरु ना विचार,
जिसके लाभ के प्रयत्न, फिर लाभ कोई हो ही नहीं सकता। जब तक लाभ बाकी है तब तक बाकी है, बाकी है अवसर अवसर अवसर। अरे गुणा भी दुखे ने दो दो असुर है, ये श्लोक है कसौटी का, गीता में शेर जी ने बताया दो श्लोक है, दो बात कसौटी है, 22 श्लोक सच्चा जाएगा। लाभ तो बाकी रहने, दुख पास में आवे नहीं, बस कोई भी दुख आवे, कोई भी चिंता आवे तो साधन में कमी है, कहीं ना कहीं गलती है, कहीं की आसक्ति है, कहीं सुख आसक्ति है, कहीं मान की आसक्ति है, कहीं बढ़ाई की आसक्ति है, कहीं आराम की आसक्ति है, तब दुख आता है। सुख की इच्छा तो दुख आवे कहीं नहीं, ये दुख सबका सब सुख की आशा में भरा हुआ है। सुख की आशा, सुख की कामना, सुख का भोग, तीन सुख की आशा हो, सुख की कामना हो, सुख मिले कामना और आशा भी सुख मिलेगा, और सुख का भोग ये पतन करने वाली चीज है, सुख लेना ही नहीं है। यही तन कर फल विषय भाई, अपने दोस्त ऐसा करना है। बद्रीनाथ जाना है तो व्यवस्था बहुत अच्छा आ जाए, जमीन भी नीचे आ गई और जंगल में फूल खिले हुए, सुगंधि भी आ रही है, ऊपर से बद्रों की छाया आ गई तो क्या ठहरेंगे वहाँ, और चढ़ाई आ गई, गंदगी आ गई, घाम तपरा जोर से, पसीना हो रहा है, तो वहाँ ठहरेगा? उसको तो बद्रीनाथ जाना है, क्या अनुकूलता है प्रतिकूलता, मार्ग में आने वाले अनुकूलता प्रति क्या काम के, वो काम की नहीं है, बड़े जोर से बड़े काम किए चले जाए, करता ही चले जाए, बिकवाई खेलेंगे नहीं, बढ़े चलो बहादुरो, बढ़े चलो बढ़े चलो बढ़े चलो, आगे चलता ही रहे, एक एक सागर की साधन करने वाले सुख में बता, सुखार्थी ने कुतो विद्या और विद्यार्थी ने कुतो सुख, सुखार्थी ने कुतो विद्या, सुखार्थी को विद्या कैसे होगी, विद्यार्थी को सुख कैसे होगा? आज कॉलेज में सुख आराम है वो विद्या चलेगी, वो ठोस विद्या नहीं है। हिंदी में, अंग्रेजी में, संस्कृत में अच्छे विद्वान होते थे पहले, आज बड़ी ऊंची ऊंची डिग्री मिल जाएगी, विद्या नहीं है, क्यों? आराम चाहते हैं, आराम मिलता है, पढ़ने के लिए आराम करो, बैठने के लिए आराम, सोने के लिए आराम, पढ़ाई के लिए आराम, मास्टर के लिए ताड़ना मत करो, तो बस जीते। पहले पढ़ते थे कष्ट उठाते थे, बड़े पढ़े संस्कृत विद्यार्थी को बहुत कष्ट उठाना पड़ता है, तो संस्कृत कैसे जानकार हो जाते हैं, और उसमें आराम आ गया तो सुखार्थ न कुतो विद्या, सुखार्थ न कुतो विद्या, विद्यार्थी ने सुख कुतो सुख, सुख भोगना है कि परमात्मा प्राप्ति करना है, सुख भोगने वाले दूसरे लोग है, सुख और दुख भोगने वाले पशु पक्षी आदि भी है, मनुष्य सुख भोग के लिए नहीं है, ये तो काम करने के लिए, संसार की सेवा करो, अपने नाम का जप करो, कीर्तन करो, भगवान को याद करो, और चलो रात और दिन चलो अपने उस उत्साह से, तब साधन होगा हमारा, साधन मामूली बात नहीं है, साधन के लिए आराम नहीं है, जितना जितना आराम हो गया है उतना पुराना पुण्य नष्ट होता है, जितना आराम सुख भोगोगे पुराना पुण्य तो नष्ट होगा और अगारी प्रमाद होगा, जितना सुख मिलता है वो तेज नहीं होगा। एक लड़का है 25-20-30 वर्षों का हो गया, और बाप और दादा बैठे हैं, और एक 5-7 वर्षों में माँ बाप मर गए, और वो 25-30 वर्ष का हुआ, होशियार कौन सा होगा बताओ, पिता मर गए वो बड़ा तेज हो गया, 20-25 वर्षों में बहुत तेज हो जाएगा, और बाप दादा बैठे हैं 30 वर्ष हो गए, क्यों? आराम जब तक रहता तब तो उन्नति नहीं होती, पुराना पुण्य खर्च होता है, नए पुण्य की प्राप्ति नहीं होती, तो नए साधन की प्राप्ति तभी होती है जब उत्साह रह जाए गाड़ी में,
प्रयत्नात मानस्तु योगी संशुद्ध कल विषा अनेक जन्म संसिद्ध तत्व याद पर आगत प्रयत्नात यत्मान प्रयत्न से यत्न से यत्न मन कल के ज्यादा आज से कल आगे ज्यादा परसों से ज्यादा प्रयत्नात यत्मानस्तु योगी संशुद्ध कल विषा अनेक जन्म संसिद्ध तत्व याद पर आगत प्राप्त हो जाता है। इस बार से साधन में कभी प्रमाद नहीं करना चाहिए, सुख भोग नहीं करना चाहिए। ये संसार का सुख है, ये क्या है? पतन करने वाला है। इस वजह से शरीर के निर्वाह के लिए भोजन करना, निर्वाह के लिए कपड़ा पहनना, निर्वाह के लिए सोना, निर्वाह जिससे साधन बन सके ऐसा बीमारी न आ जाए, बाधा न आ जाए। स्वास्थ्य स्वाद सुखी निर आराम और ऐसा महिमा आदर ये सब बाधक है, परमात्मा प्राप्त मान आदक में राजी हो जाएगा, आराम में राजी हो जाएगा, सुख सुविधा में राजी हो जाएगा, तो ठीक है। कोई पद प्राप्ति हो जाए, कोई औधा प्राप्त हो जाए, कोई धन प्राप्त हो जाए, अनुकूल स्त्री पुत्र मिल जाए, दो आदमी है उत्थान होने का प्रयोजन है। समय तो रहे थोड़ा, काम रहे ज्यादा, और काम तो हो कम और समय हो ज्यादा, ऐसा खर्चा हो कम और धन हो ज्यादा, धन कम हो और खर्चा ज्यादा हो, तो खर्चा कैसा कमाने खाने जैसा, उस आदमी उन्नति होती है। जब धन ज्यादा होगा तो उल फैल करेगा, प्रमाद करेगा, पतन होगा उसका। तो साधना में तो आराम ज्यादा होता बाधक है, संसार में पैसा ज्यादा बाधक है। काम जो ज्यादा हो और समय थोड़ा अपने पास में, उसे उन्नति होगी ही, ऐसी बात। लोगों का कहते साधु क्या काम है, मुफ्त रोटी मिले, मुफ्त कपड़ा मिले, मुफ्त मकान मिले, मुफ्त टिकट मिले, मुफ्त पोथी मिले, पर मुफ्त में मिलने वाले के लिए रविवार रविवार के दिन छुट्टी नहीं है, काम करो छुट्टी तो मिल रहा है, हमारी छुट्टी मिलती ही नहीं कभी। बोलो अरे काम कुछ है ही नहीं, काम तो कुछ है नहीं, अरे छुट्टी मिलती ही नहीं। वो साधु होता है छुट्टी आराम में। मेरे को याद है जो कल्याण में काम करते थे ना, तो बड़ा समय सार्थक होता था, जल्दी जल्दी ये करना है, वो करना है, वो करना है, वो देखना है, रात दिन काम नहीं सुते आराम से उठता है। तो साधुओं का समय तो समय ज्यादा मिलने से समय बर्बाद होता है, और पुरुष और मनुष्यों के धन ज्यादा मिलने से बर्बाद होता है। धन ज्यादा मिलना अच्छा नहीं है, आराम ज्यादा मिलना अच्छा नहीं है। खाओ कमाओ खाओ उठे व्यास ही नहीं होते, बर्बाद ही होते। शहरों के आदमी जितने बर्बाद ही होते हैं, कमजोर होते हैं, खेती करने वाले कमजोर नहीं होती, प्रमादी नहीं होते, शरीर भी ठीक रहता है और काम भी ज्यादा होता है। इस तरह साधन करे हुए प्रमाद में आलस्य में समय बर्बाद न करे, ये बात है महाराज। अब बोलो इनमें कोई शंका हो तो बोलो, भगवान की कृपा होती है तब धन ज्यादा होने भी भजन करता है, और भगवान की कृपा विशेष मानता है तो समय ज्यादा होने भी भजन करता है। धन ज्यादा उपयोग करे, धन ज्यादा उपयोग ज्यादा नहीं होता, ऐसा आराम ज्यादा होती, भोग ज्यादा होता।